अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैंने तुम्हें एक विशेष लक्ष्य के लिए चुना है। जी भाभी। निहार भैया, वो एक्चुअली कुछ जर्नलिस्ट ना पार्टी में गेस्ट बन के आ गए और मुझे बिल्कुल पता नहीं था, पर रितिका जी ने ना प्रेस के लिए साफ मना किया था। निहार भैया, मुझे ना बहुत डर लग रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। डोंट वरी भाभी, मैं देखता हूँ। मुझे ऐसे क्यों लगा जैसे मेरी रुचिता वापस आ गई।
किया आपने ऐसा माँ? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? मैं इस घर में वापस नहीं आना चाहती थी। जब आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, तब खाटू जी की कृपा से मैं बच पाई। मुझे कृष्णा आश्रम के लोगों ने नदी के किनारे बेहोश पाया और उन्होंने मुझे बचाया। तब से ही मैं हर रिश्ते का मोह छोड़कर एक साध्वी बनकर रह रही थी। तभी कृष्ण जी ने मुझे समझाया कि मैं यहाँ आऊं। भगवान, भगवान जी आप? हाँ, कृष्ण कहो या राम कहो, खाटू कहो या जगन्नाथ कहो, सब मेरा ही नाम, ये सब मेरी ही पहचान। समय अलग था इसलिए रूप अलग थे, लेकिन था तो मैं जगत का पालनहार। आज तुम्हारा समय अलग है, इसीलिए तुम रुचिता से अनामिका बनी। पर तुम अपनी पहचान नहीं मिटा सकते। तुम रुचिता निहार गोयल हो और हमेशा वही रहोगी। मिट्टी के घर को बचाने के लिए तुम इतनी विचलित हो रही हो, तुम्हारे उस घरौंदे का क्या जिसे तुमने अपनी मेहनत, विश्वास, प्रेम और भक्ति से सींचा था। तुम्हारा घर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है रुचि। कौन सा घर प्रभु? मेरी माँ ने जब मुझे अपना नहीं माना तो कैसा परिवार? एक पल नहीं लगा उन्हें मुझे मौत के मुंह में डालने से, फिर मैं कैसे चली जाऊँ वहाँ पे? माँ घर की पालनहार होती है, और जब माँ ही मुझसे नफरत करे तो मैं कैसे कदम रखूँ वहाँ प्रभु? माँ की नफरत याद है तुम, और पूरे परिवार का प्यार भूल गई। माँ की नफरत अगर कदम रोक रहे हैं तो पति का प्यार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित क्यों नहीं कर रहा? इतना ही कमजोर था तुम्हारा रिश्ता। लेकिन जब मेरे साये से ही उन्हें तकलीफ हो तो मैं उन्हें दुख देकर वहाँ कैसे रहूं प्रभु? एक माँ को उनके बेटे से अलग करके मैं जीत नहीं सकती। तुम्हारी लड़ाई रिश्तों की नहीं, ये सही और गलत का धर्म युद्ध है, जिसे लड़ने के लिए तुम्हें कुरुक्षेत्र में आना ही होगा। कुछ युद्ध शस्त्रों से नहीं, चाणक्य नीति से भी जीते जाते हैं। अधर्म को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए छल का उपयोग भी करना पड़े तो कोई हानि नहीं। पापियों को उनके ही जहर का स्वाद चखाना कभी कभी आवश्यक हो जाता। अगर तुमने कदम पीछे हटा लिए तो लोगों की गलत सोच जीत जाएगी। जिन लड़कियों के साथ उनके साधारण रंग रूप और व्यवहार को लेकर पक्षपात होता है, उन सबकी हार हो जाएगी। शाम तो मैं भी, फिर शाम रंग रूप वाली लड़कियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? इस संसार की रचना मैंने की, पर अपने ऊपर उंगली उठाते मैं किसी को देख नहीं सकता। क्या तुम अपने खाटू जी का ये अपमान बर्दाश्त कर सकती हो? यदि नहीं तो उठो और लड़ो रुचिता। दुनिया को समझाओ, इंसान का भेद उसकी सुंदरता से नहीं अपितु उसके मन से होता है, और तुम्हारी सुंदरता तुम्हारा मन है रुचिता, वही तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी ताकत। जाओ रुचिता, अपने घर वापस जाओ और अपनी माँ की गलत सोच को सही रास्ते पर लाओ। स्वयं के लिए ना सही, उन औरतों के लिए लड़ो जो तुम्हें अपना आदर्श मानती है। साबित कर दो कि मन की सुंदरता से बड़ी कोई सुंदरता नहीं है। इंसान का भेद उसकी सुंदरता से नहीं अपितु उसके मन से होता, और तुम्हारी सुंदरता तुम्हारा मन है रुचि। साबित कर दो कि मन की सुंदरता से बड़ी कोई सुंदरता नहीं है। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।